वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टेस्ट नंबर 3, मजमून रियाजी, जमात पंजुम। हिदायत है, हर सवाल के लिए एक नंबर रहेगा। सवाल नंबर 1, 5/6 इस कसर को बताने के लिए दी हुई शक्ल के कितने हिस्से रंगीन करने चाहिए? 5/6 यानी किसी एक चीज के 6 हिस्सों में से 5 हिस्से। यहाँ पर जो शक्ल दी गई है इसके 6 हिस्से बताए गए हैं। इन 6 हिस्सों में से 5 हिस्सों को रंगीन करना होगा। इस खाली चौकोर में लिखेंगे 5। सवाल नंबर 2, मुरब्बा रुमा रुमाल को बीच में से तय करने पर जेल में से कौन सी शक्ल बनाई नहीं जा सकती? यहाँ पर 3 मुतबादिल दिए गए है। नंबर 1 है मुसल्लस, नंबर 2 है मुस्ततील और नंबर 3 है मुरब्बा। आइए एक मुरब्बा रुमा रुमाल को अमली तौर पर बीच में से तय करके देखते हैं। ये है मुरब्बा रुमा रुमाल। इसे बीच में से तय करने पर आपको कौन सी शक्ल नजर आ रही है? मुसल्लस की। उसी तरह दोबारा इस रुमाल को बीच में से तय करते हैं, अब आपको कौन सी शक्ल नजर आ रही है? मुस्ततील की। इसका मतलब ये है, एक मुरब्बा रुमा रुमाल को बीच में से तय करने पर मुसल्लस और मुस्ततील ये शक्लें बनाई जा सकती है, लेकिन मुरब्बा ये शक्ल बनाई नहीं जा सकती। इसलिए सही मुतबादिल है नंबर 3। खाली चौकोन में नंबर लिखेंगे 3। सवाल नंबर 3, साहिल के पास एक सेब था, उस सेब के उसने चंद मसावी हिस्से किए, उसमें से 1/4 हिस्सा उसने अपने छोटे भाई को दिया, 2/4 हिस्सा अपनी बहन को दिया और उसने खुद 1/4 हिस्सा सेब खाया, तो उसने सेब के कितने मसावी हिस्से किए? यहाँ पर तमाम हिस्सों की जमा करना होगी ताकि पता चल जाए कि साहिल ने एक सेब के कितने मसावी हिस्से किए। 1/4 + 2/4 + 1/4 = 1/2 + 1/4 = 4/4 यानी साहिल ने एक सेब के 4 मसावी हिस्से किए और तीनों में तकसीम किए। सही मुतबादिल है नंबर 2। इसलिए खाली चौकोन में लिखना होगा नंबर 2। सवाल नंबर 4, 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए अख्तर ने 21 जनवरी से 24 जनवरी तक गाने की मशक की, तो इसने कितने दिन गाने की मशक की? यहाँ पर 3 मुतबादिल दिए गए हैं, नंबर 1 4 दिन, नंबर 2 3 दिन और नंबर 3 5 दिन। कौन सी तारीख से गाने की मशक शुरू की गई? 21 जनवरी से। तो 21, 22, 23 और 24 कितने दिन हुए? 4 दिन। इसलिए सही मुतबादिल है नंबर 1। खाली चौकोन में लिखेंगे नंबर 1। सवाल नंबर 5, जेल की तस्वीर की घड़ी में कितने बजे है बताओ? यहाँ पर 3 मुतबादिल दिए गए हैं, नंबर 1 4:15, नंबर 2 3:04 और नंबर 3 3:20। घड़ी में हुए है 3:20, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 सही है। खाली चौकोन में लिखेंगे नंबर 3। सवाल नंबर 6, जेल में से किसका जवाब सही है? यहाँ पर एक तफरीक का हिसाब दिया गया है जिसे 4 बच्चों ने हल किया है, टीना, अहमद, शाम और मीरा। आइए इस हिसाब को हल करके देखते हैं, तो पता चल जाएगा कि किसका जवाब सही है और किसका गलत। 4120 तफरीक 78। जवाब आ गया 4042। मीरा का जवाब है 4900, शाम का जवाब है 4800, अहमद का जवाब है 4198 और टीना का जवाब है 11920। यानी चारों के भी जवाब सही नहीं है, इसलिए खाली चौकोन में लिखेंगे कोई नहीं। सवाल नंबर 7, जेल में से किसका जवाब सही है? यहाँ पर जमा का एक हिसाब दिया गया है जिसे 4 बच्चों ने हल किया है, जावेद, नाजिम, शौकत और निकत। आइए इस हिसाब को भी हल करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि किसका जवाब सही है और किसका गलत। 3216 + 17। सही जवाब है 3233। निकत का जवाब है 3111, शौकत का जवाब है 3211, नाजिम का जवाब है 3199 और जावेद का जवाब है 3209। चारों के भी जवाब गलत है, इसलिए खाली चौकोर में लिखेंगे कोई नहीं।
सवाल नंबर 8, अनवर के पास आम के 12 बक्स है और हर एक बक्स में 24 आम है, तो अनवर के पास कितने आम है? यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए गए हैं। सही मुतबादिल का नंबर खाली चौकोर में लिखना होगा। नंबर 1 है 36, नंबर 2 है 124, नंबर 3 है 248 और नंबर 4 है 288। आम के एक बक्स में कितने आम है? 24, और ऐसे कितने बक्स है? 12, इसलिए 24 को 12 से ज़रब करना होगा। आइए 24 को 12 से ज़रब करके देखते हैं। 24 ज़रब 12, जवाब आएगा 288, इसलिए मुतबादिल नंबर 4 सही है। खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर 4। सवाल नंबर 9, एक स्कूल में नज्म के लिए कतारें लगाई गई, हर कतार में 11 तलबा, इस तरह 15 कतारें तैयार हुई, तो नज्म के लिए कितने तलबा हाजिर थे? यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए गए हैं। सही मुतबादिल का नंबर खाली चौकोर में लिखना होगा। नंबर 1 है 1515, नंबर 2 है 115, नंबर 3 है 155 और नंबर 4 है 165। हर कतार में कितने तलबा? 11 तलबा, इस तरह कितनी कतारें बनाई गई? 15, यानी 11 को 15 से ज़रब देना होगा। 11 को 15 से ज़रब देने पर जवाब आएगा 165। मुतबादिल नंबर 4 सही है, इसलिए खाली चौकोर में लिखना होगा नंबर 4। सवाल नंबर 10, रास्ते के किनारे बिजली के खंभे और इसको तान देने वाले तार से कौन सा जाविया तैयार होता है? 3 मुतबादिल दिए गए हैं। नंबर 1 जाविया कायमा, नंबर 2 जाविया हद्दा और नंबर 3 जाविया मुनफरजा। यह है बिजली का खंभा और यह है उसे तान देने वाला तार, इससे जाविया तैयार हो रहा है जाविया हद्दा। मुतबादिल नंबर 2 सही है, इसलिए खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर 2। सवाल नंबर 11, 38272 इस अदद में 8 इस हिंसे की मुकामी कीमत कितनी? 4 मुतबादिल दिए गए हैं। नंबर 1 है 8000, नंबर 2 800, नंबर 3 8 और नंबर 4 80000। 8 कौन से मुकाम पर है? 1000 के मुकाम पर, इसलिए 8 की मुकामी कीमत होगी 8000। मुतबादिल नंबर 1 सही है, खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर 1। सवाल नंबर 12, तौहीद के पास 45 गोटियाँ थी, उसने अपने हर एक दोस्त को 3-3 गोटियाँ देने का फैसला किया, तो वो गोटियाँ कितने दोस्तों को बांटी जा सकती है? 4 मुतबादिल यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 है 3, नंबर 2 है 15, नंबर 3 है 12 और नंबर 4 है 18। तौहीद के पास कितनी गोटियाँ थी? 45। हर एक दोस्त को उसने कितनी कितनी गोटियाँ देने का फैसला किया? 3-3, इसलिए 45 को 3 से तकसीम देना होगा। 3 तकसीम 45, आइए इस हिसाब को हल करते हैं। पैतालीस को 3 से तकसीम देने पर जवाब आएगा 15, इसलिए मुतबादिल नंबर 2 सही है, खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर 2। सवाल नंबर 13, सविता ने अपने पास मौजूद 100 रुपयों में से 9 रुपये खुद के लिए रखकर बाकी की रकम 7 बच्चों में मसावी तकसीम की, तो हर एक बच्चे को कितने रुपये मिलेंगे? यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए गए हैं। नंबर 1 है 7, नंबर 2 है 13, नंबर 3 है 19 और नंबर 4 है 14। सविता के पास कितने रुपये थे? 100 रुपये। अपने खुद के लिए उसने कितने रुपये रखी? 9 रुपये रखी, यानी 100 तफरीक 9 करना होगा। 100 में से 9 तफरीक करने पर जवाब आएगा 91, यानी उसने 91 रुपये 7 बच्चों में मसावी तकसीम की, इसलिए 91 को 7 से तकसीम देना होगा। 91 को 7 से तकसीम देने पर पता चल जाएगा कि हर एक बच्चे को कितने रुपये मिलेंगे। आइए इस हिसाब को हल करते हैं। इक्यानों को 7 से तकसीम देने पर जवाब आएगा 13, इसलिए मुतबादिल नंबर 2 सही है, खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर 2। सवाल नंबर 14, अब्बास और सिद्दीका हर एक के पास 1000 रुपये थे, अब्बास ने 120 रुपये खर्च किए तो सिद्दीका ने 180 रुपये खर्च किए, अब इनके पास कितने रुपये बाकी रहे? 4 मुतबादिल दिए गए हैं। नंबर 1 है अब्बास 820, सिद्दीका 780, नंबर 2 अब्बास 880, सिद्दीका 820, नंबर 3 अब्बास 820, सिद्दीका 880 और नंबर 4 अब्बास 120, सिद्दीका 180। अब्बास ने 1000 रुपये में से कितने खर्च किए? 120, इसलिए 1000 तफरीक 120 करेंगे तो जवाब आएगा 880 और सिद्दीका ने 1000 रुपये में से कितने खर्च किए? 180, इसलिए 1000 तफरीक 180 करेंगे तो जवाब आएगा 820, यानी अब्बास के पास 880 रुपये बाकी रहे और सिद्दीका के पास 820 रुपये बाकी रहे। मुतबादिल नंबर
दो सही है, इसलिए खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर दो। सवाल नंबर 15, 1275 इस अदद में 8 सैकड़े और 4 दहाई मिलाने पर क्या जवाब आएगा। चार मुतबादिल दिए गए हैं। नंबर एक है 1223, नंबर दो 2015, नंबर तीन 2115 और नंबर चार 1123। 8 सैकड़ा यानी 800 और 4 दहाई यानी 40, यानी 840 1275 में जमा करना होगे। 1275 जमा 840, चलिए इस हिसाब को हल करते हैं। 1275 जमा 840, 1275 में 840 जमा करने पर जवाब आएगा 2115। मुतबादिल नंबर 3 सही है, इसलिए खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर 3। सवाल नंबर 16, राजन और अनिल ने अपने अपने दौड़ने के रास्ते का एक चक्कर पूरा किया, तो जेल में से कौन सा बयान गलत है। यहाँ पर चार बयान दिए गए हैं। जो बयान गलत है उस मुतबादिल का नंबर खाली चौकोर में लिखना होगा। बयान नंबर एक है, राजन 14 मीटर दौड़ा। नंबर दो, अनिल 12 मीटर दौड़ा। नंबर तीन, अनिल राजन से 2 मीटर ज्यादा दौड़ा। और नंबर चार, राजन अनिल से 2 मीटर ज्यादा दौड़ा। राजन का रास्ता है मुरब्बा नुमा और अनिल का रास्ता है मुस्ततिल नुमा। तो आइए पहले राजन के रास्ते के चारों जिलों की लंबाइयों की जमा कर लेते हैं। राजन के रास्ते के चारों जिलों की लंबाई की जमा आएगी 12 और अनिल के रास्ते की चारों जिलों की लंबाइयों की जमा आएगी 14। इसका मतलब ये है अनिल राजन से 2 मीटर ज्यादा दौड़ा, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 सही है। खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर 3। सवाल नंबर 17, यहाँ पर दो प्लॉट दिए गए हैं, मानसी का प्लॉट और अतिया का प्लॉट। मानसी का प्लॉट मुस्ततिल नुमा है और अतिया का प्लॉट मुरब्बा नुमा है। और सवाल है, मानसी का प्लॉट अतिया के प्लॉट से कितने मुरब्बा मीटर बड़ा है। यहाँ पर चार मुतबादिल दिए गए हैं। नंबर एक 4 मुरब्बा मीटर, नंबर दो 48 मुरब्बा मीटर, नंबर तीन 68 मुरब्बा मीटर और नंबर चार 16 मुरब्बा मीटर। मानसी का प्लॉट चौकी मुस्ततिल नुमा है, इसलिए यहाँ पर मुस्ततिल का रकबा लेना होगा। लंबाई जरब चौड़ाई यानी 16 जरब 12 बराबर होते हैं 192 मुरब्बा मीटर। मानसी का प्लॉट 192 मुरब्बा मीटर है और अतिया का प्लॉट चौके मुरब्बा नुमा है, इसलिए मुरब्बे का रकबा लेना होगा। जिला जरब जिला यानी 12 जरब 12 बराबर होते हैं 144 मुरब्बा मीटर, यानी अतिया का प्लॉट 144 मुरब्बा मीटर है। दोनों का फर्क कितना होगा, 192 तफरी 144 करने पर जवाब आएगा 48 मुरब्बा मीटर, इसलिए मानसी का प्लॉट अतिया के प्लॉट से 48 मुरब्बा मीटर बड़ा है, इसलिए सही मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 2, इसलिए खाली चौकोर में लिखना होगा नंबर 2। सवाल नंबर 18, अप्रैल महीने की पहली तारीख को इतवार है, तो इस महीने के तमाम इतवार की तारीख कौन सी होंगी। यहाँ पर चार मुतबादिल दिए गए हैं। नंबर एक है 17, 14, 21, 28, नंबर दो है 8, 15, 22, 29, नंबर तीन है 9, 16, 23, 30 और नंबर चार है 8, 15, 22, 29 और 36। क्योंकि अप्रैल का महीना है इसलिए 30 दिनों का है और अप्रैल की एक तारीख को इतवार है, यानी हफ्ते के 7 दिन होते हैं, इसलिए एक में हमें 7 जमा करना होगे। एक में 7 मिलाने पर जवाब आता है 8। इसका मतलब यह है कि 8 तारीख को भी इतवार रहेगा। 8 में दोबारा 7 जमा करेंगे, जवाब आता है 15, यानी 15 तारीख को भी इतवार रहेगा। 15 में 7 मिलाने पर जवाब आएगा 22, 22 तारीख को भी इतवार रहेगा। 22 में 7 जमा करने पर जवाब आता है 29, यानी 29 को भी इतवार रहेगा। और रहा 30 तारीख का सवाल, तो 30 तारीख को पीर रहेगा, यानी अप्रैल महीने की पहली तारीख को अगर इतवार है तो उसके आगे की 8 तारीख 15 तारीख 22 तारीख और 29 तारीख, इन तारीखों को भी इतवार ही रहेगा। मुतबादिल नंबर 2 सही है, इसलिए खाली चौकोर में लिखेंगे नंबर 2। सवाल नंबर 19, जेल की जदोल का मुशाहिदा करके जवाब लिखो। यहाँ पर एक जदोल दिया गया है जिसमें बाएं जानिब है बच्चों के नाम और दाएं जानिब है फूलों की तस्वीरें और नीचे पैमाना दिया गया है एक फूल की तस्वीर बराबर 10 फूल। और सवाल है, अंजलि और आलिया के फूलों को जमा कर दे तो वो अदद अक्रम के फूलों से कितना ज्यादा होगा। मुतबादिल नंबर 1 है 2, नंबर 2 4, नंबर 3 20 और नंबर 4 10। किसके फूलों की जमा करनी है, अंजलि और आलिया की। अंजलि के फूल है 4 यानी 40 और आलिया के फूल है 3 यानी 30। 40 और 30 होते हैं 70, उनमें से अक्रम के फूल तफरीक करने होंगे। अक्रम के फूल कितने हैं, 5 यानी 50।
70 में से 50 तफरीक करने पर जवाब आता है 20, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 सही है। खाली चौकोर में लिखना होगा नंबर 3। सवाल नंबर 20, ज़ेल के नक्श निगार का तवातिर मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक नक्शी का तवातिर दिया गया है जिसे आपको मुकम्मिल करना है। पहले है गोल, उसके बाद चौकोन, फिर त्रिकोण, फिर गोल, गोल के बाद आएगा चौकोन, उसके बाद है त्रिकोण और त्रिकोण के बाद में आएगा गोल, यानी मुतबादिल नंबर जीम सही है, इसलिए खाली चौकोन में लिखेंगे जीम।